Subscribe and click the bell icon for television updates. You don't look up to girls. You look up to tall girls. And now ye tagline banayenge. Kinshuk looks up to tall girls. Look up to tall girls. Say something like that. I look up to you. सच कहूँ अभी तक तो मुझे रिएक्शन शिव्या को डायरेक्टली देने का मौका ही नहीं मिला बिकॉज मैं सिर्फ इसको कॉन्ग्रेचुलेट कर पाया हूँ एंड बट मैंने हर जगह इसमें कहा है कि यू लेफ्ट मी स्पीचलेस एंड आई डोंट थिंक कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है बस जो साइलेंस कह सकता है आई थिंक वही है जो आईज कह सकती हैं तब की आईज क्या कह रही है बताओ मेरी आँखें तो भर आई थी एंड मैंने चैलेंज किया कि अगर पूरे ऑडिटोरियम में जिसकी आँखें नहीं भर आई थी तो वो बंदा बहुत ही इनसेंसिटिव बन रहा है लेकिन किंशुक किस बात का इंतजार किया जा रहा था मतलब नंबर है सब कुछ है तो आपने पर्सनली मतलब इतना देर क्यों कर दी रिएक्शन देने में बिकॉज मिली नहीं अभी तक I think it's her day and it's launch of her show. Of course, जैसे episode खत्म हुआ सबसे पहले मैंने इसको congratulate किया था but then I wanted her to enjoy the moment and be there जो भी था so I think it's like जैसा प्यार हम राधा कृष्ण में और जैसा हम राम सिया के लव कुश में दिखा रहे हैं वो unsaid है selfless है वो उनका प्यार भी एक दूसरों को बांधना नहीं है एक दूसरों के सपनों को जीने देना है वैसे ही अभी किंशुक का शो चल रहा है जात ना पूछो प्रेम की बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आप उसे देखिए और हमारा शो आया है राम सिया के लव कुश आप उसे भी देखिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप एक बहुत मैं ये चीज़ एक कोट मैंने पढ़ा था कि आप बहुत एक बड़ी पार्टी में होते हैं वहाँ पे हज़ारों लोग होते हैं आप हज़ारों लोगों से बातें करते हैं तो आपका एक इंसान होता है जिसको सिर्फ आपको एक बार देखना होता है और आपको समझ आ जाता है तो वो जो साइलेंस में आप किसी से बात करते हैं आई थिंक वो हज़ारों शब्दों में भी नहीं होती है तो वो तो मैंने किंशुक को देख के ही समझ लिया था उसके बाद हम अपने अपने यू नो वी आर लिविंग इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड देन वी विल गो बैक टू आवर फेरी टेल अच्छा रियलिटी शोज के भी काफ़ी सीजन चालू हो गए कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर नच बलिए में अगर आने का मौका मिलता तो आते अभी नहीं अभी मुझे लगता है कि अभी वक्त है हमने अभी बट शिव्या को बिग बॉस करने का बहुत बड़ा सपना है और उसने चैलेंज किया है मेरे एक दोस्त को कि मैं अगर गई तो मैं ही जीत के आऊंगी है ना नहीं ऐसा नहीं है बिग बॉस मैं बहुत एंजॉय करती हूँ बट क्यों तुम जीत के आओगी ना तुमने चैलेंज किया है सब जीताएंगे सब तुमको तो नहीं मतलब बात यही है कि अभी तो काम पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं अभी मेरा इतना अच्छा मेरे दिल के बहुत करीब है ये शो मैं चाहती हूँ कि लोग इस शो को देखें और इसके बारे में जाने वो जो अनकही स्टोरीज़ हैं सीता के एस्पेक्ट्स हैं कि वो कितनी स्ट्रांग थी और लव कुश की ज़ुबानी हमारी रामायण की कहानी देखें और साथ में बहुत सारे लेयर्स हैं बहुत सुंदर कहानी है बहुत सुंदर कहानी सिद्धार्थ सर ने क्रिएट की है तो आई वांट कि आप सब देखें आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट है कि कहानी जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पर आके आज तक के सारे रामायण ख़त्म हो रहे थे सो हम उस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं जहाँ पर सब ने ख़त्म की है कहानी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये आरंभ है जैसे अंत ही आरंभ है सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये कहानी जानने के लिए बिकॉज मैं पर्सनली इतना अवेयर नहीं हूँ इस चीज़ से सो जो लोग अवेयर नहीं है आई थिंक उनके लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है